हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू देव कोचिंग सीबीएसई गुरु। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है कि 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए मैथमेटिक्स में, ये जो मतलब वीडियो 5 है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे होगा। एपी जिसे कहते हैं, एपी, और इसकी हम बात कर रहे हैं एपी के बारे में। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा, जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पे है, तो आप ज़रूर देखें। हम वीडियो के नीचे लिंक भी देंगे, या हमारे वीडियो लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में क्रिएट कर दूंगा, अभी आप देख सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि इसमें क्या है, कैसे है, कितने मार्क्स आएंगे। वैसे तो इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना है, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगर हम देखते हैं, इसमें से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और 5 मार्क्स इसमें से एक 1 मार्क्स का होता है, एक 4 मार्क्स का होता है। टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी आता है। इसमें जैसे an होता है, an जो होता है ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन वन माइनस वन इंटू डी। जनरल फॉर्म एपी की बात कर रहा है कि ए टू माइनस ए वन एन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, ये जो होता है जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। तो ये रेफरेंस बुक जो है एनसीईआरटी है, एग्जांपल 1-2 आप जरूर देखे जाकर, सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, और इसमें आने की संभावना ज़्यादा होता है। 5 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का एक आएगा, तो 1 मार्क्स इसमें ये 1 से उठाया जा सकता है। लेकिन जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, nth टर्म की अगर हम बात करें, जो है nth टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। इसका एग्जाम्पल 3, 7, 8 आप करना ना भूले, 3, 7, 8 जरूर करें। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4, 7, 11, 16, 17, 18 जरूर करें, और इसमें से मतलब कि क्वेश्चंस आने की संभावना मैक्सिमम चांसेस होता है, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करें जरूर। तो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म जो है, एन टर्म ऑफ द एपी अगर हम बात करें, तो ये भी एग्जांपल 11, 13, 15 जरूर सॉल्व करें, जरूर प्रैक्टिस करें, अगर आपको 95 प्लस मार्क्स लेके आने हैं तो, ठीक है। इसको या आप पास होना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को देखा और अच्छा लगा तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अगर कोई सजेशन हो सजेशन भी दीजिए, और आप शेयर करना मत भूलिए। अगर कोई आपके पास न्यू टिप्स हो, न्यू टिप्स भी शेयर करिए हमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।